नमस्कार, टुनाइट से दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। 2019 के चुनावी महाभारत का बिगुल अभी नहीं बजा है, लेकिन मोर्चाबंदी तेज हो गई है। महाभारत में भी शंखनाद होने से पहले तक दुविधा का दौर चला था कि कौन महारथी किसके साथ है। 2019 के महाभारत से पहले भी ऐसी ही दुविधा है, समझना मुश्किल है कि कौन किसके खेमे में है। राजनीतिक जोड़ तोड़ का खेल समझने के लिए हम फिर हाजिर हैं। सबसे पहले बात बीजेपी के धर्म संकट की। मिशन 2019 के लिए बीजेपी और संघ परिवार के शीर्ष नेताओं के बीच मंथन हुआ। इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा संघ और बीजेपी कोर ग्रुप के नेता भी मौजूद थे। पीएम आवास पर दो दिन पहले हुई इस बैठक में जो बातें उठी, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज के पास है। बैठक में यूपी में होने वाले महागठबंधन को लेकर चर्चा की गई। आरएसएस की तरफ से ये फीडबैक आया कि महागठबंधन अगर बना तो इससे बीजेपी को यूपी में भारी नुकसान होगा। ये अनुमान लगाया गया कि 25 से 30 सीटों का नुकसान हो सकता है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में फीडबैक आया है कि अगर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन होता है तो कम से कम 35 से 40% वोट एक तरफा बीजेपी के विरोध में जाएगा, जिसका नुकसान 25 से 30 सीटों पर बीजेपी को हो सकता है। इसलिए इस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट पर विशेष फोकस करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी आरएसएस की इस रणनीतिक बैठक में यह माना गया कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते 2019 में नुकसान हो सकता है। साथ ही आरएसएस ने यह फीडबैक दिया कि कई सांसदों की कार्यशैली की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा, इसलिए बीजेपी के करीब आधे सांसदों के टिकट काटे जाने की संभावना है। कुछ मंत्रियों को भी टिकट नहीं मिल सकता है। बीजेपी आरएसएस की मीटिंग में ये पॉइंट भी निकलकर सामने आया कि एंटी इनकम्बेंसी का असर तो 2019 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा ही, लेकिन ऐसे मौजूदा सांसदों के कारण भी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिन्होंने कभी भी अपने पार्टी कैडर को गंभीरता से नहीं लिया और बार बार कहने के बावजूद भी अपने लोकसभा एरिया में सक्रिय नहीं रहे। ऐसे में इस बैठक में ये भी सहमति बनी है कि ऐसे जो मौजूदा सांसद हैं जिनकी संख्या 40 से 55% तक हो सकती है, उनका टिकट काटा जाए, जिनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी आरएसएस की बैठक में एंटी इनकम्बेंसी और महागठबंधन की काट को लेकर रणनीति बनाई गई। ये तय किया गया कि हर लोकसभा सीट पर बीजेपी और आरएसएस के पदाधिकारी खास तौर पर ध्यान देंगे। उन्नीस में एक बार फिर से मोदी सरकार की नैया पार लगे, इसलिए इस बैठक में यह भी तय किया गया कि हर लोकसभा सीट पर विशेष फोकस किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी ने अपनी हर लोकसभा सीट पर 3 पदाधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई है, जिसमें एक लोकसभा सीट का प्रभारी होगा, एक सह प्रभारी होगा और एक संयोजक के नाते जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं आरएसएस ने भी तय किया है कि इस बार हर लोकसभा सीट पर वो भी अपने किसी पदाधिकारी को जिम्मेदारी देगी। बात राजधानी दिल्ली में मचे सियासी घमासान की। दिल्ली में 8 दिन से एलजी हाउस में जारी केजरीवाल और उनके मंत्रियों का धरना जल्द खत्म हो सकता है। सीएम केजरीवाल की ओर से अफसरों की सुरक्षा का भरोसा दिलाए जाने के बाद आईएएस एसोसिएशन के रुख में भी नरमी आई है। आईएएस एसोसिएशन ने ट्वीट कर कहा है कि वो मुख्यमंत्री की अपील का स्वागत करते हैं और उनके साथ औपचारिक चर्चा के लिए तैयार हैं। सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों को अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए आश्वस्त किया था कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। दोनों पक्षों की ओर से नरमी के बाद केजरीवाल का धरना और आईएएस अफसरों के कथित हड़ताल खत्म होने के आसार बनने लगे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर, अरविंद केजरीवाल और अधिकारियों के बीच जमी बर्फ के पिघलने के संकेत मिलने लगे हैं। शुरुआत अरविंद केजरीवाल के खत से हुई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को अपने परिवार का हिस्सा बताया और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, जिसका स्वागत अधिकारियों ने किया और एक मीटिंग की पेशकश रख दी, जिसे मनीष सिसोदिया ने मान लिया और ये कहा कि मीटिंग उपराज्यपाल के सामने होनी चाहिए। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही एक मीटिंग होगी जिसमें अधिकारियों और अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के बीच सुलह हो सकती है। उधर एलजी ऑफिस में सीएम केजरीवाल के साथ धरने पर बैठे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तबीयत आज बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें एलएनजीपी अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले धरने पर बैठे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं धरने पर बैठने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से कई तल्ख सवाल किए हैं। बीजेपी विधायक विजेंदर गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि धरने से पहले एलजी से अनुमति क्यों नहीं ली गई। हाईकोर्ट ने पूछा कि एलजी हाउस में इस तरह का धरना देना क्या संवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि आप किसी के घर या दफ्तर में घुसकर हड़ताल या धरना नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी पूछा कि धरने का यह फैसला व्यक्तिगत था या फिर कैबिनेट की मंजूरी भी ली गई। इस मामले के लिए अगली सुनवाई 22 जून को होगी। कोर्ट के सख्त रुख पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि धरने का कदम बाकी सभी लोकतांत्रिक रास्ते अपनाने के बाद लिया गया। उन्होंने कहा जो कुछ कोर्ट ने पूछा है उसका जवाब दिया जाएगा। अनुरोध, विनती, प्रार्थना, चिट्ठी लिखना सब कुछ कर लिया केजरीवाल जी ने, जब नहीं सुने तब ये रास्ता अपनाया। और दूसरी मेरी बात यह है कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि 7 दिनों तक एक मुख्यमंत्री और 3-3 मंत्री एलजी आवास में बैठे, 7 मिनट का भी समय एलजी साहब को बातचीत करने के लिए नहीं मिला। एक सत्येन जैन जी हमारे, उनकी हालत बिगड़ गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इतनी संवेदनहीनता। इस बीच दिल्ली में चल रहे घटनाक्रम को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर सीएम केजरीवाल और बीजेपी के धरने के साथ आईएएस एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस पूरे मामले पर पीएम की चुप्पी को लेकर तंज कसा है। वहीं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के बाद बीजेपी की सहयोगी शिवसेना और समाजवादी पार्टी भी केजरीवाल के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। दोनों ने इस मामले को लेकर केंद्र की सरकार को घेरा है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कहा है कि केजरीवाल को तुरंत धरना छोड़ दिल्ली की जनता की परेशानियां दूर करने के लिए काम पर लौटना चाहिए। एक लोकतंत्र में जो सरकार जनता चुनती है बहुमत से, उनको काम करने का पूरा अधिकार स्वतंत्र मिलना चाहिए। अगर सरकार कोई और चलाएगा, जनता किसी और को चुनकर देगी और सरकार पे और चलेगा, इसे हम लोकतंत्र नहीं मानते। उद्धव जी ने भी मुख्यमंत्री दिल्ली से यही बात कही है, बहुमत की सरकार है, लोगों ने चुन कर दी है, तो सरकार चलाने का अधिकार बहुमत वाली सरकार को मिलना चाहिए। गंभीर मसला है दिल्ली में, अनावश्यक इस तरह की बात पैदा न करें कि आने वाले दिनों में फिर क्लीन स्वीप हो जाए और एक भी खाता न खोल पाए, ये बीजेपी बात। अब इसका मतलब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस मांग का समर्थन कर रही है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? पूरी तरह से मैं आप पार्टी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ हूँ और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी धरने पे बैठेंगे। हम पहल करने के लिए तैयार हैं मुख्यमंत्री जी, हमने कल आपको खुला पत्र भी लिखा था, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमें मिलने का समय दें, दिल्ली के लोगों को पानी दें, और अगर आपको लगता है कि विपक्ष को इसमें कोई भूमिका करनी चाहिए तो विपक्ष पूरी तरह तैयार है, लेकिन आप दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित मत करें। दिल्ली के इस धरना पॉलिटिक्स के जरिए सभी सियासी दल 2019 की रणनीति बनाने में जुटे हैं। न सिर्फ बीजेपी के सहयोगी दलों ने केजरीवाल का समर्थन किया है बल्कि कांग्रेस के खेमे में खड़े दिख रहे दल भी उनके साथ नजर आए हैं। एनडीए में शामिल जेडीयू और शिवसेना ने केजरीवाल का समर्थन किया तो वहीं जेडीएस और समाजवादी पार्टी ने केजरीवाल का साथ देकर कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया। इसके अलावा टीडीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम भी केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस नई जुगलबंदी से 2019 की सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है। अब चलते हैं बिहार, जहां एनडीए में तकरार थमती नहीं दिख रही। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह ने अपनी जीती हुई सीटें छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी ने 2014 में 22 सीटें जीती थी और बीजेपी इनमें से एक भी सीट नहीं छोड़ने की बात कह रही है। बीजेपी के इस बयान से 25 सीटों पर दावा ठोक रही जेडीयू भड़क गई है। जेडीयू का कहना है कि अगर बीजेपी को लगता है कि उसे सहयोगी की जरूरत नहीं है तो वो 22 सीटें नहीं बल्कि पूरी 40 सीटों पर चुनाव लड़ ले। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव जीती है वहाँ पर तैयारी तो कर ही रही है। वैसे तो पूरे हमको 40 की 40 सीटें जीतनी है, चाहे हमारे जो सहयोगी दल है वो लड़े चाहे हम लड़े, लेकिन जो हमारी जीती हुई सीटें हैं उस पर निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार, हमारे लोग काम कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करते रहे। जिस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहा चुनाव के पूर्व, ये कहीं ना कहीं गठबंधन में को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि हम सीट पर लड़ेंगे जहां जी, तो भाई को कहां रोक रहा है, आप 400 सीट पर लड़ लीजिए, सहयोग क्या जरूरत है आपको। द
दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2014 का चुनाव बीजेपी के साथ नहीं लड़ा था, तब तक वो बीजेपी से अलग हो चुके थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी को जहां 22 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपी को 6 और आरएलएसपी को 3 सीटें मिली थी। यानी बिहार में एनडीए के पास 31 सांसद हैं, वहीं आरजेडी के 4, जेडीयू के 2, कांग्रेस के 2 और एनसीपी के 1 सांसद हैं। अब नीतीश महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए हैं, इसलिए वो 2014 के नतीजों के हिसाब से सीट नहीं चाहते। जेडीयू ने 25 सीटों की डिमांड रखी है। अगर जेडीयू की यह बात मानी जाए तो बाकी 15 सीटों में बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी कैसे चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी अपनी सिटिंग सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो वहीं जेडीयू बीजेपी को याद दिला रही है कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है और वो ही गठबंधन के बड़े भाई। बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही है और इसी बीच नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल गए जिसे 2019 के लिए बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। नीतीश कुमार नाप तोड़ कर बोलने वाले नेता माने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए और समझिए कि इसका क्या मतलब है। काम करते जाएंगे, अगर उसका फायदा होगा लोगों को तो स्वयं लोग याद करेंगे, उसको इसकी चिंता नहीं है। कोई मेरे मुंह पर मेरी पता नहीं भीतर से थोड़ा सा उसको थोड़ी परेशानी होने लगी, क्या जरूरत है इन सब चीजों, काम के लिए तो काम करने के लिए है ना। हम क्राइम से समझौता करेंगे, न करप्शन से समझौता करेंगे, न कम्युनलिज्म से समझौता, सवाल ही पैदा। 2019 चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू में खटपट चल रही है, तो इधर कांग्रेस नीतीश कुमार को पटाने में जुट गई है। आज दिल्ली में बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैठक की। सूत्रों से खबर है कि बैठक में बिहार से आए कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से कहा कि महागठबंधन में एक बार फिर नीतीश कुमार को लाने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि नीतीश बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ गाहे बगाहे बोल रहे हैं, ऐसे में ये सही वक्त है जब नीतीश को अपने साथ लाया जाए। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने अपने नेताओं को इस मांग से सहमति जताई और कहा कि नीतीश से बात करनी चाहिए। बिहार से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या माना जाए कि कांग्रेस के दरवाजे अभी भी नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं? महागठबंधन में आप चाहते हैं कि 19 से पहले नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ खड़े हों? देखिए, हम चाहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है। जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो दिख रहा है, उनकी स्टेटमेंट है और जो हमारे प्रभारी साहब ने भी कहा कि अगर वो चाहना चाहते हैं और वो इस तरह का सोच रहे हैं तो हम डिस्कशन का पार्ट बना सकते हैं। जो हमारे अलायंस है, जो राजद एक अहम पार्टी है बिहार में, तो हम सब डिस्कशन करके सुबह का बोला अगर शाम में वापस आ रहा है तो वो एक विचार का विषय हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार आते हैं तो अलायंस मजबूत होगा 2019 के लिए? देखिए, ये तय तो सीपी ने करना है और हमारे प्रभारी ने करना है, सबसे डिस्कशन करके करना है, लेकिन हम सब पॉजिटिव है और हमारा एक ही टारगेट है कि बिहार में मजबूती से हम 40वीं सीट पर जीत कर आए। तो मुझे लगता है उस कड़ी में अगर नीतीश साहब भी आते हैं तो हम और मजबूत होंगे। हालांकि जेडीयू ने कहा कि कांग्रेस के ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन हम एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी को हर दल के लोग चाहते हैं कि हमारे साथ आएं। तो शक्ति सिंह गोयल जी को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन शक्ति सिंह गोयल मुंह में लार नहीं टपकाएं। हम लोग जहां हैं, हम लोग एनडीए में और इंटैक्ट हैं। कांग्रेस नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, तो उधर यूपी में महागठबंधन से कांग्रेस को बेदखल करने की हलचल शुरू हो गई है। सूत्रों से खबर है कि 2019 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस से किनारा करने में लगे हैं। अपने पिता मुलायम सिंह यादव की नसीहत को मानते हुए अखिलेश ने राहुल गांधी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव एसपी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, जिसमें एसपी को भारी नुकसान हुआ था और हाथ से सत्ता चली गई थी। अखिलेश अब ये फार्मूला लोकसभा चुनाव में दोहराना नहीं चाहते। कल अखिलेश दिल्ली आ रहे हैं, जहां वो कांग्रेस को छोड़कर बाकी सहयोगी दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी की 80 में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बाकी 5 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की चर्चा है। ये 2 सीटें रायबरेली और अमेठी की है, जहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद हैं। बाकी बची 3 सीटों में से 2 सीटें लोकदल और 1 सीट पीस पार्टी को देने का फार्मूला रखा गया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अभी सीट शेयरिंग पर चर्चा करना जल्दबाजी है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ हमारे बिना कोई गठबंधन कैसे बन सकता है।
देखिए राहुल गांधी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा है कि मैं सबको जो बीजेपी के खिलाफ है हम सब मिलेंगे और मिलकर बीजेपी को हराएंगे। तो अभी बहुत जल्दबाजी है किसी पार्टी या किसी एक के बारे में कुछ कहना। भी भाजपा के खिलाफ जो ऐसा गठन होगा विकल्प, तो बिना कांग्रेस के तो नहीं होगा। एक तरफ मोदी के खिलाफ महागठबंधन की कवायद चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। जी हां, माना ये जा रहा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश और राहुल गांधी के बीच में काफी समय से कोई बातचीत नहीं हुई। अखिलेश का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जहां वो साथ में चुनाव लड़े थे, लेकिन आज उनको गंभीर रूप से हर राज्यों के चुनाव से पहले बातचीत नहीं की जा रही है, उनको गंभीर रूप से नहीं लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को लगता है कि जिस तरीके से जल्दबाजी में गोरखपुर और फूलपुर में अखिलेश ने कैंडिडेट दिए थे, वहां पर एक सीट पर कांग्रेस फूलपुर में लड़ना चाहती थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन बनने से पहले ही उसमें दरार पड़ रही है और दो बड़े दल यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खाइयां बड़ी हो गई हैं। कांग्रेस को झटका न सिर्फ अखिलेश यादव ने बल्कि मायावती ने भी दिया है। बीएसपी ने एमपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ में किसी किस्म के गठबंधन की कोई बात आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं है। जो चर्चाएं बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही हैं, ये कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के न सुप्रीमो का कोई किसी किस्म का हिंट है और न ही किसी किस्म की बात उनकी तरफ से आई हुई है। 23 मई को कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मायावती और सोनिया गांधी के बीच अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इसके बाद से ही कहा जाने लगा कि 2019 के चुनाव के लिहाज से बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी एकजुटता परवान चढ़ रही है, लेकिन अब इसी साल के अंत में एमपी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर बीएसपी ने एकजुटता को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि कांग्रेस को अभी उम्मीद है कि एमपी में बीएसपी के साथ उसका गठबंधन संभव है। देखिए, ये तो समय पर निर्णय लिया जाएगा, अभी बहुत जल्दी है, अभी 4 माह बाकी हैं, चुनाव आएगा उस समय ये सारे निर्णय होंगे। कांग्रेस भी तक के चुनाव लड़ने की, देखिए कांग्रेस पार्टी समय रहते हुए सारे विपक्षी दल भी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, सबसे उनका प्रयास समय पर होगा। 2013 में बी ने 227 पर अपने पी उतारे थे, लेकिन उसे सिर्फ सीटों पर सफलता मिली थी। एससी और एसटी की सीटें हैं, इन सीटों पर बीएस ठाकुर यूपी से लगे मैना ग्वालियर सागरीवा में भी 10,000 वोट बढ़ती रही है। मैं अगर कांग्रेस को ये डूबता तो कांग्रेस को डाल सकता, लेकिन बी ने तो दे दिया है, अब बीजेपी ने इस पर। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, सपा बस तरीके से कल चुके हैं, तो उनको भी इस बात की रहेगी यहाँ घुसपैठ में। और वैसे भी मैं लगता है, मैं एक बात कहूंगा कि सब जैसे दल जो है वो केवल आगियों के बना चुनाव से निर्धारण करते हैं, और इस बार आगी होंगे भावना भारतीय जनता पार्टी के पास और कांग्रेस के पास प्रत्याशी मुश्किल। एमपी में बिजनेस विधानों को लेकर अपनी रणनीति को हर रोज नई लेने में जुटी, दोनों ही दल इस बार युवाओं को साधने में हैं। इनमें कांग्रेस की आईटी सेल ने करीब 5,000 युवाओं की हत्या की है, जिन्हें राजीव के सिपाही बताया जा रहा है। जेपी आई सेल ने सोशल मीडिया के लिए करीब 65,000 को तैयार किया है। राजीव के सिपाही प्रदेश को कांग्रेस की विचारधारा बताएंगे, तो बीजेपी के सोशल के सिपाही फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को से जोड़ने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पर राजीव जी के सिपाही पूरी मुसाद मतदेश में काम कर रहे हैं। जिस तरह से राजीव जी ने 21वीं सपना देखा और संचार क्रांति को हिंदुस्तान के अंदर लेकर आए थे, उसी के तहत हमारा सोशल मीडिया काम कर रहा है और अपनी वह सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी पर भार पड़ेगा। कांग्रेस का जो कुशासन है, बंटाधारी शासन, उनके नेताओं का चरित्र व्यवहार, जो उनकी प्रवृत्ति रही है, जो उनके अतीत के कांड हैं, उन सबको उजागर करके निश्चित तौर पर उनकी नियत को और उनके पूरी की पूरी पार्टी है उसकी प्रवृत्ति को ताने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता करेंगे ही। सोशल मीडिया पर सक्रिय है, हमारी सोशल मीडिया की जो है वो पूरी सक्रिय ही।
अपने में पॉलिटिक्स के अलावा खूनी भी चल रहा है वो भी दिखा, लेकिन पहले देख लेते हैं कुछ देश की महत्वपूर्ण खबरें। जंगल में दो बाघों बीच लाइव दंगल की तस्वीरें भारी हैं। ये वीडियो राजस्थान के रणथंभौर नेशनल है जो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है। नर बाघों के बीच जबरदस्त करीब 15 सेकंड और जगीरा वहां से निकला। ये मुरादा 20 सड़क के बीच जमकर मार्शल बीट भी लड़की को युवक लग गया जिसके युवक पर पड़े और उसकी जम की। बाद में लोगों का उसके बाद मामला शांत हुआ। मस्क के भोपाल में एक गरोकार ने कुछ रोगे खड़े करो की कहा है जहाँ हाइज में काट चाहे कॉलेज स्टूडेंट को पुलिस के एसआई ने जिनके दौरान की कोशिश की पुलिस वालों के ही काट चाहिए इनों युवकों को गिराए। यूपी शामली पुलिस की गुंडगर्दी सामने आई है। झिंझना ब्लॉक में एक घर दब लेने गए दमे पांच वाले ने पहले तो बच्ची और फिर पुलिस पर उत्पीड़ित परिवार ने आरोप पुलिस कर्मियों के खिलाफ की मांग की। केरला के निजामाबाद में सत्तारूढ़ पार्टी सियास के एकता की गुंडागर्दी कैद में कैद हो रही है। यहाँ जमीन में टीआरएस नेता इमादी ने एक महिला को मारी के बाद पुलिस ने आरोप टीआरएस को गिर दिया। आइए हम आपको कुछ और खबरें बात कर राजधानी दिल्ली की जो आज सुबह गुरु की तरफ जम गई। यह हाड़ी इलाके गैंग वॉर लोगों की गई जबकि घायल हो मरने वाले महिला भी है। पुलिस के मुताबिक वह दिल था दिल्ली बीच हुए फायरिंग इंसिडेंट अभी तक की इंक्वायरी के अकॉर्डिंग दो क्रिमिनल ग्रुप्स के बीच हुआ है। एक अभी तक तीन लोगों की इसमें एक पासरबाई की तरफ से एंड सनी और अभी तक अनआइडेंटिफाइड है जो संभवतः है दूसरे क्रिमिनल ग्रुप का। टिल्लो और गोगी हत्या और फरूट की ग्रांतों को आ चुका है। दोनों दबी को लेकर पहले हमने हमने आ चुके हैं। आपका एक सीसीटीवी भी इसमें आया है इसमें स्कॉर्ट बाज फायरिंग के भागते न रहे हैं। हैरानी दोनों गैंग के जा सदस्य में है। बाहरी दिल्ली गोगी गैंग में इससे अधिक शामिल मकसद बिल्कुल साफ है। अगर ये पे जाते हैं तो नाबालिग इन्हें चंद महीने में जमाती है बाल सुग्रह में भी कैदी हो जाओ मेहता। पीएम नीतीश कॉपीराइट के उल्लंघन में गिर गए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस है। जेएनयू के पूर्व छात्र की नीतीश ने जिस का अनुमोदन किया है उसके रिसर्च पर का गया है। गुजरात से कांग्रेस विधायक अखिलेश ठाकुर का नूर उड़ाते हुए एक वीडियो वायरल है। पालन में एक साथी कार्यक्रम में जब का गीत बारी भजन गा रही तो बल पे शोटों की गड्ढिया लिए पर पहुंचे और तना लोग उड़ाने लगे। कलेजा का देने वाला ये वीडियो मुंबई के मलाड स्टेशन का है। जैसे ही लोकल ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पर खड़ा ये युवक ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है। ये युवक कौन था और उसने खुदकुशी क्यों की ये साफ नहीं हो पाया है। वीडियो 12 जून का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में आदमखोर तेंदुए को मार गिराया गया है। हरी नगरी गांव में आतंक मचाने वाले इस तेंदुए को शिकारी लखपत सिंह ने एक ही निशाने में ढेर कर दिया। इस तेंदुए ने दो बच्चों की जान ले ली थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के मनसा में दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी पर सवार नहीं होने दिया। दबंगों की गुंडागर्दी की वजह से झड़प जैसी नौबत आ गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया।
अब बात आर्मी के सबसे बड़े बदले की। कल कश्मीर घाटी में सीज फायर खत्म करने का ऐलान हुआ और आज से आतंकियों का खात्मा शुरू हो गया। रमजान के महीने में 30 दिनों तक सरकार ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया था और इस दौरान आतंकियों ने जमकर कत्लोगारत मचाई थी, लेकिन सीज फायर हटते ही अब सेना ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। आज फिर से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑलआउट का आगाज कर दिया। बांदीपुरा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑलआउट चलाया और इस दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। जहां जहां स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि दहशतगर्दी यहां से सफाया हो। सेना ने एक एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और कश्मीर के कई इलाकों में ऑपरेशंस को फिर शुरू कर दिया है। ये साफ संकेत है कि आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के रोक लगने के बाद जो ऑपरेशन रुके थे उसमें अब और तेजी होगी और कश्मीर में छुपे हुए आतंकियों का जल्द सफाया होगा।